नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाऊनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और कल चर्चा में जन्म के भेदों पर विचार किया था और जन्म के भेदों में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जन्म जन्म के तीन भेद होते हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। और उनमें भी ये जो जन्म है वो सब बताए थे कि एक इंद्री से लेकर असंगनी पंचेंद्रीय मनुष्य तक, जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं, जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, वो सब सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। ये तीन प्रकार के जन्म वाले गर्भज होते हैं और देव और नार की उपपाद जन्म वाले होते हैं। ये जैन धर्म के अनुसार जन्म के भेदों की बात है। जन्म में इतना विशेष है कि जिस पे कल मैंने फोकस किया था और जब तक जन्म की चर्चा चलेगी तब तक मैं करता जाऊंगा कि जन्म में कोई अभिनंदन की बात नहीं होती, जन्म के अभाव का अभिनंदन है। बराबर, फिर से बोलता हूँ, जन्म में कोई अभिनंदन की बात नहीं होती। जिस प्रोसेस से जन्म का अभाव हो वो प्रोसेस अभिनंदनीय होती है। इसीलिए आप सभी लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जन्मदिन के दिन बने वहाँ तक वैराग्य आदि के भाव अपने मन में रखें, उत्सव की वहाँ कोई बात नहीं है। हाँ, कोई आपको करता रहे, लोक व्यवहार की बात अलग है। लोक व्यवहार में तो जैसे हम बच्चों के साथ बच्चों के जैसे खेलते हैं, ऐसे किसी ने आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो आपने थैंक यू बोल दिया, इससे आपका श्रद्धान गड़बड़ हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता। बराबर, जगत में लोक व्यवहार की दृष्टि से आप कुछ कर रहे हो उससे मुझे उसे आपको या जिनवाणी को या मुझे किसी को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। मूल बात यह है कि जन्म के नाम पर हमारे अंदर में जो गलगलियां उठती हैं, जन्म के नाम पर जब हम फूले नहीं समाते हैं तब प्रश्न हमारे संतान पर उठता है कि क्या हमें संसार खरेखर बुरा लगता है। और अगर बुरा लगता है तो जहां से संसार चालू हो रहा हो ऐसे उस जन्म को अच्छा कैसे कहा जाए, इतनी सी बात वहां पर सामने निकल कर आती है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब उसी के जन्म को बताते हैं क्या, कर्म भूमिया पंचेंद्री असैनी व सैनी त्रयंच, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से? पंचेंद्रिय, असैनी और सैनी त्रयंच, कहाँ के? कर्म भूमि के। देखो पहले समझ लो कर्म भूमि क्या है और भोग भूमि क्या है। कोई बताएगा मुझे कर्म भूमि किसे कहते हैं ना भोग भूमि किसे कहते हैं? सोचो जरा, पहले मैंने पढ़ाया है आपको, किसे कर्म भूमि कहते हैं किसे भोग भूमि कहते हैं? बड़ी उत्तर तो सरल है, कठिन? हाँ बोलिए। जलपा भाभी हाथ उठा रही क्या? जीवन हाँ बोलो बोलो जलपा भाभी। निर्माण माटे कमावू पड़े, कर्म करवू पड़े, ने कर्म भूमि कहेवाय। सरस, बहुत बढ़िया। અને ભોગ ભૂમિ એટલે જીવન નિર્વાહ, એમને એમ થાય તમારે કમાવાની જરૂર પડે નહીં, કેવી રીતે થાય? કલ્પ એટલે ત્યાં કલ્પ વૃક્ષો હોય એમ વૃક્ષો। હવે હવે મુદ્દા એ છે, આ તો તમને મનુષ્યોની વાત કરી, શું ત્રિયંચ ગતિમાં પણ ભોગ ભૂમિ હોય છે અને કર્મ? ત્રિયંચ ગતિના લોકો શું કરે છે? ત્રિયંચ ગતિમાં આ અગત્યની વસ્તુ તમને કહું કે ભોગ ભૂમિ આપણે મનુષ્યમાં ગણીએ છીએ, મનુષ્યમાં તો હોય જ છે, પણ અમુક ત્રયંચો પણ સાતિશય પુણ્યવાળા હોય છે જે ભોગ ભૂમિય ત્રયંચ બને છે। શું બને છે? ભોગ ભૂમિય ત્રયંચ। ભોગ ભૂમિય ત્રયંચ એટલે એ પણ
કલ્પ વૃક્ષોની જેમ એની ટેરિટરી હોય, એમને જેમ કે અત્યારે આમકું કઈ કમાવવું પડે તો તમને ખાવા મળે, તો ત્રેંચ તો કમાવા જતા નથી તો એમને ખાવા મળે છે, તો શું એ ભોગ ભૂમિમાં આવી ગયા? નહીં. એટલે એકલો કમાવવું નહીં, તો સરળ મનુષ્યો કે હિસાબ સે પણ બાત કી, કમાના પડે બનાના પડે. પશુઓ કે લીએ અગર એ કભી બાત કરે તો ભાઈ અરે કુત્તા બોલેગા કે અરે તુમ પતા નહીં હૈ, અપને અપને છોટી છોટી ગલોડીઓ કો સમજાતા હોગા ના કે તુમે દો રોટી દૂધ દેને કે લીએ મેં રાત રાત ભર જાગતા હું, ચોર કો દેખ કર ભોંકતા હું, ગાય બછડે કો સિખાતી હોગી કે તુમ્હારે લીએ મેને કિતના દૂધ મેં દેતી હું, બેલ સિખાતા હોગા કે તુમ્હારે લીએ મેં ખેત મેં હલ ચલાતા હું, બકરી ભેંડ સુનાતી હોગી કે ભાઈ તુમ્હારે લીએ મેં અપને બાલો કા બલિદાન દેતી હું, એસે વગેરા વગેરા. બરાબર. તો યે સબ જો કર્મ હૈ, યે તમામ કર્મ કર્મ ભૂમિ કે ચિહ્ન હૈ, ઓર જહાં પર યે નહીં હૈ વો ભોગ ભૂમિ. મતલબ ક્યા, જહાં પર જો જીવન નિર્વાહ કી આવશ્યકતાએં હૈ વો બિના શ્રમ કે પૂરી હો જાતી હૈ, વો ભોગ ભૂમિ કહેલાતી હૈ. તો અગર કોઈ પશુ ભોગ ભૂમિ મેં જાયેગા તો ઉસે જૈસે અપને કલ્પ વૃક્ષ મિલતે હૈ વહાં કલ્પ ઘાસ મિલેગી. કલ્પ ઘાસ મતલબ સમજ ગયા ના, અપન ને પાનાંગ જાતિ કે કલ્પ વૃક્ષ કી કલ્પના કી હૈ કે જહાં પે મધુર મધુર પેય મિલતે હો. અબ બિચારે પશુઓ કા તો ઉતના ક્ષોપસમ હોતા નહીં હૈ કે વરિયાળી શરબત ના શું કહેવાય, ખસ ના શરબત ને ગુલાબ નો શરબત, એ બધું એને ક્યાં ખબર હોય. તો એ તો કલ્પ ઘાસ. કે કેવી ઘાસ? કે જેવી ઘાસમાં અત્યંત મધુરતા હોય, જ્યાંના અન્નમાં અત્યંત મધુરતા હોય, છે પશુની જેમ પણ ત્યાં એવો પુણ્ય જીવોનો હોય કે એ અત્યંત અત્યંત ઉત્તમ ઉત્તમ પદાર્થોનો સેવન ત્યાં સે એમની પોતાની ટેરિટરી હોય. જેમ કે અત્યારે નથી હોતા અમુક અમુક વન વિહાર જેવા કે ત્યાં એ લોકોને કોઈ ભય નથી, એને અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવવામાં આવે છે, હોય ને વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી, આપણે ગીર છે ગીર, અમુક અમુક જગ્યાએ વન વિહાર હોય છે, ટાઈગર રિઝર્વ છે, એ શું છે કે ત્યાં એમને કોઈ એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટી નથી, પણ એમના માટે જે અનિવાર્ય છે એ સહેજ મળે છે. આટલા એરિયામાં કોઈ જશે નહીં. એમ ભોગ ભૂમિ કા ત્રેંચ હોગા ના તો ઉનકા એક નિશ્ચિત ટેરિટરી હોતી હૈ, ઇતને એરિયા મેં કોઈ જાયેગા નહીં. ઓર વહાં પે ભી સંતતિ વંતતિ કી વ્યવસ્થા મનુષ્યો કે સમાન હોતી હૈ કે પૂરી જિંદગી ભર ઉત્પન્ન કરતે હૈ, એસા નહીં હૈ. બસ મરણ યુગલ યુગલ હી જન્મ લેતે હૈ ત્રેંચ કે રૂપ મેં, ઓર સાથ મેં રહેતે હૈ, બાદ મેં ફિર અપને અગલે કો ઉત્પન્ન કરકે વો દેહ છોડતે હૈ. બરાબર સમજ મેં આયા? તો એસી વ્યવસ્થા કર્મ ભૂમિ કે ત્રેંચો મેં હોતી હૈ, ભોગ ભૂમિ કે ત્રેંચો મેં હોતી હૈ. ये भोग भूमि के त्रेंच कहाँ हैं कौन बताएगा? मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में, ढाई द्वीप के बाहर के जो असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, वहां सब जगह संगी पंचेंद्रीय भोग भूमि या त्रेंच रहते हैं. बराबर. ये कैसे मिलती है? बोले ये दशा कोई ऐसे जीव को मिलती है कि जिसने आयु तो त्रेंच बांध ली है लेकिन उसके बाद में सुपात्र दान की अनुमोदना की. क्या शब्द बोल रहा हूं फिर से? आयु कौन सी बांध ली उसने? त्रेंच आयु. अब त्रेंच आयु बांध ली है तो मुनियों को आहार तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि मुनियों को आहार तो मुनिया मनुष्य देते हैं. लेकिन जैसे शास्त्रों में एग्जाम्पल आते हैं, नेवले ने, बंदर ने, गाय ने, बकरी ने, सांप ने क्या अनुमोदना की? सुपात्र दान की अनुमोदना की. तो जब ये जीव सुपात्र दान की अनुमोदना करते हैं तो आयु तो बदलती नहीं है, लेकिन सुपात्र दान के फल स्वरूप वो भोग भूमि या त्रेंच के रूप में उत्पन्न होते हैं. बराबर समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अपन जिनको त्रेंच कहते हैं वो भले ही कमाते ना हो लेकिन जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल करते ही है. तो जो जीवन निर्वाह के लिए कुछ कुछ स्पेशल होता है वो सब कर्म भूमि की व्यवस्था है, और जहां सहजी जीवन निर्वाह के साधन मिलते हों वो भोग भूमि की व्यवस्था है. बराबर. अच्छा मुझे बताओ, भोग भूमि अच्छी की कर... हाँ बोलो दिनेश भाई. ये भोग त्रियंश का आयुष्य बंध जाता है तभी नक्की हो जाता है कि नहीं, कि कहां जन्म हो लेना है, कि बाद में नक्की होता है कि भोग भूमि मिलेगा या
कर्म भूमि में लेंगे। इसमें आयु तो आयु के रूप में बनती है, आयु में संक्रमण नहीं होता, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण होता है। ये तो सामान्य नियम आपको पता होगा। आयु में क्या होता, संक्रमण नहीं होता। दैट मींस कि अगर त्रयंच आयु बन गई है तो त्रयंच आयु कन्वर्ट होकर मनुष्य नहीं हो जाएगी, और मनुष्य आयु बन गई है तो कन्वर्ट होकर देवायु नहीं हो जाएगी। जो भी आयु बन गई है वो बन गई है, ख्याल में। आयु में संक्रमण नहीं होता, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण होता है। यानी किसी ने पहले सामान्य त्रयंच की आयु बांधी हो, स्वाभाविक है त्रयंच आयु बांधी है तो सामान्य ही बांधी होगी, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे संयोग मिले, मुनिराज सुपात्र बराबर, जिनके कारण उसकी प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कर्षण हो गया, पुण्य इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि वो कर्म भूमि के त्रयंच के रूप में भोग ही नहीं सकता। तो खुद ब खुद ऐसे जीव ट्रांसफर होकर खुद ब खुद सहज वो भोग भूमि में उत्पन्न हो जाते हैं, और वहां पे उनकी 2 पल की आयु होती है। मध्यम भोग भूमि के प्रमाण व्यवस्था वहां पर होती है, जैसी मनुष्य में भूमि है ना दूसरे काल में, वो पूरी की पूरी वहां वो भोगते हैं, बराबर ना। तो फिर से आयु 2 अंग उत्तर हो सकते हैं, एक तो है केवली के ज्ञान की अपेक्षा उत्तर, और एक है हमारे ज्ञान की अपेक्षा उत्तर। जब हम हमारे ज्ञान की अपेक्षा देखते हैं तब हम ये कहते हैं कि सुपात्र पहले इसकी त्रयंच आयु बनी थी, बाद में सुपात्र दान के फल स्वरूप उसकी आयु क्या कहते हैं उत्कर्षित होकर वो भोग भूमि में चला गया। ये हमारे ज्ञान का उत्तर है। अब केवली के ज्ञान के अनुसार क्या उत्तर है, केवली के भगवान ऐसा कहेंगे कि इसको भोग भूमि में उत्पन्न होना था, इसलिए इसने सुपात्र दान की अनुमोदना की, और सुपात्र दान की अनुमोदना के कारण इसकी जो पूर्व की आयु थी वो उत्कर्षित होकर प्रशस्त संयोग में बदल गई, बराबर। ये 2 उत्तर है। तो हमारे ज्ञान में अज्ञानता है, इसीलिए हम कारण से कार्य की तरफ जा रहे हैं, और भगवान के ज्ञान में निर्मलता है, इसीलिए उनमें कोई कारण कार्य की बात नहीं है, जो है सो है। आज इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, ये सब हमारे लिए है। केवली भगवान के ज्ञान में तो सब सर्वथा एक क्या कहते हैं समग्रता के साथ में झलक रहा। क्लियर हुआ? अब आगे का प्रश्न करें जो इसमें मेन स्लाइड का मुद्दा है कि ऐसे कर्म भूमि पंचेंद्रिय असैनी व सैनी त्रयंच में क्या क्या जन्म होता है तो बताते हैं। तो भोग भूमि की बात नहीं की, वो सब गर्भज होते हैं, कर्म भूमि की बात करते हैं। तो कर्म भूमि में 2 प्रकार के होते हैं, गर्भज जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। गर्भ जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। तो गर्भ जन्म किनको होता है, बोले पर्याप्तक जीवों को गर्भ जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म किनको होता है, बोले सम्मूर्छन जन्म में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों ही होते हैं। अपर्याप्तक नियम से सम्मूर्छन वाले होते हैं, और पर्याप्तक में क्या कहते हैं सम्मूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं, ऐसा समझ लो, बराबर। देखो फिर से, अपर्याप्तक जीव है ना, अपर्याप्तक जीव वो नियम से कौन से जन्म वाले होते हैं, सम्मूर्छन वाले, ठीक है ना। लेकिन जो पर्याप्तक जीव हैं वो पर्याप्तक जीव दोनों प्रकार के होते हैं। वो पर्याप्तक जीव दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब कि वह में भी होते हैं क्या कहते हैं गर्भज में भी होते हैं और क्या कहते हैं सम्मूर्छन में भी होते हैं, बराबर। देखो ये दोनों जगह पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, और गर्भज और ये सब की यहाँ पे व्यवस्था बताई। अब अपन आगे देखते हैं, इसमें कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़ी सरल सी बात है। अगली स्लाइड देखते हैं। अब जो गर्भज होता है यानी जन्म होता है, उस जन्म के कुछ पर्टिकुलर प्लेस होते हैं, स्थान होते हैं। गर्भ के स्थानों को अथवा जन्म के स्थानों को हम योनि कहते हैं, बराबर। किसे योनि कहते हैं, कि जिन स्थानों से जीव उत्पन्न होते हैं उन स्थानों को हम योनि के नाम से समझते हैं।
अब वो नौ प्रकार की योनियां होती हैं, मतलब नौ प्रकार के जीव के उत्पत्ति स्थल होते हैं, वो अपन समझेंगे। ये समझना क्यों जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है, देखो गर्भ जन्म की योनि है तो आपको बात खबर होगी, लेकिन समूर्छन जन्म की भी योनियां होती हैं कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देते हैं तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, गर्म हवा से ठंडी हवा मिलती है तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, सूखा पदार्थ भेज वाले के साथ मिलता है तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी ये योनि, मतलब आप क्या करना चाहते हैं समझना है ये किसके लिए, कि हम उत्पन्न ही ना होने दें। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप तो जैन है, फिर जैन है तो दिवाली की सफाई में हिंसा क्यों करते हैं? प्रश्न समझ में आया? क्या उत्तर है भैया? अभी सबकी चालू हो गई होगी ना दिवाली की सफाई है, तो जैन है तो जैनों को तो दिवाली की सफाई नहीं करनी चाहिए, दिवाली की सफाई में तो हिंसा होती है, क्यों नहीं, क्यों क्यों करते हम सफाई, बताओ है? बोलो, बस सब करते तो हम करते, उसमें क्या बड़ी बात है पंडित जी? बोलो खुशी बहन, बोलो सर। सफाई नहीं करेंगे तो और ज्यादा उत्पन्न होंगे मूल जीव। मुद्दा यही है कि हम अगर साफ सफाई नहीं करें तो दिक्कत, अभी तो थोड़े जीव हो रहे हैं लेकिन वो गंदा वाला वातावरण, वो धूल वाला वातावरण, वो भेज वाला वातावरण, वो मिक्स वातावरण, उस जगह पर कंटिन्यूअस जीव 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 की उत्पत्ति की योनि बनाता रहता है, समझाया? तो वो योनि का मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो कोई आकृति विशेष है, शरीर की आकृति विशेष को योनि नहीं कह रहे, यहाँ वो वातावरण, जिस वातावरण से जीव उत्पन्न हो रहा है, वो भी क्या है, जीवोत्पत्ति की योनि, यानी योनि मतलब उत्पत्ति स्थल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो भी मैंने वही समझाने की कोशिश की कि भैया हम जैनी हिंसा के लिए सफाई नहीं करते, आगामी अहिंसा के लिए सफाई करते हैं। फिर से क्या बोला, हम जैनी किसके लिए सफाई करते हैं? हिंसा के लिए नहीं करते, सफाई में हिंसा हो रही है, अग्री, क्योंकि और दूसरा कोई उपाय नहीं, लेकिन हम हिंसा के लिए सफाई नहीं करते, हम आगे अहिंसा होती रहे इसके लिए अनुकूल स्थल बनाते हैं कि जिससे वो जीवों की उत्पत्ति के स्थल बने ही ना, जीव की उत्पत्ति बनेंगे ही नहीं तो फिर मरने का प्रश्न नहीं होगा। एक व्यक्ति ने मेरे घर में पूछा कि साहब कबूतर ने मेरे घर में अंडा रख दिया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने उत्तर दिया, अब कुछ मत करो, करना था तो पहले कर देते, तुमने उसको अनुकूल परिस्थिति दी, अंडा रखने के लिए जगह दिए, और उसने जैसे पहली लकड़ी रख रही थी तभी वार्न हो जाना चाहिए था कि भाई मेरे घर में अगर एक लकड़ी रखेगा तो बहुत सारी लकड़ियां रखेगा, बहुत सारी लकड़ियां रखेगा तो फिर घोंसला बनाएगा, घोंसला रखेगा तो फिर अंडा देगा, अंडा होगा तो बच्चे निकलेंगे, और जैसे ही बच्चे उड़ेंगे तो दूसरे अंडा दे देंगे। मतलब ये कबूतरों का जरा मरण चक्र है, एक एक हो नहीं पाता, एक की सीट कंफर्म नहीं हो पाती, दूसरे की आ जाती, वैकेंट हो जाती है, दूसरा कंफर्म उड़ नहीं पाता कि तीसरा आ जाता है, तो एक बार जो कबूतरों के उसमें पड़ा तो वो उसका कभी मेल नहीं पा पाता, होता है कि नहीं होता? मैंने इसको बहुत भोगा है इसलिए बता रहा हूं। इसीलिए रख दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, ना रखें इसके लिए प्लानिंग करो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम काढ़ा उकाला क्यों पी रहे हैं? कोरोना होके मिटाता नहीं है, लेकिन ना हो इसके लिए पी रहे, अच्छा नहीं लग रहा तो भी पी रहे। तो ये सब जो हम जान रहे हैं, ये जानेंगे कि नौ प्रकार की योनियां होती हैं जहां जीव उत्पन्न होते हैं, ये किसके लिए जान रहे हैं? ये इसके लिए नहीं जान रहे कि हमें बहुत ज्यादा कुछ जानना है, ये हम इसके लिए जान रहे हैं कि हम अगर ये समझ जाए कि यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी कंडीशन में जीव उत्पन्न होते हैं तो हम उन परिस्थितियों को बनने से रोकें तो जीव उत्पन्न नहीं होंगे तो सच्चे अर्थ में अहिंसा का पालन होगा। बराबर, उत्पत्ति अगर हो गई और अगर गृहस्थ है तो उसके पास कोई उपाय नहीं बचता है। बराबर समझ में? एक मैं सच बता रहा हूँ, मेरे घर, मेरे अंदर मन की घटना बता रहा हूँ कि जब मैं भावना फ्लैट में रहता था ना, तो भावना फ्लैट में अचानक ही चींटियों का प्रकोप बहुत बढ़ जाए कि वो यहाँ से चींटी लगाओ तो वो कहीं लक्ष्मण रेखा लगानी पड़े,
कहीं पीओपी भरनी पड़े, कहीं कुछ करना पड़े, कहीं कुछ करना पड़े, तो मुझे मुनिराज इतने याद आते थे उस समय, क्या बताऊं। मैंने कहा कि एक मुनिराज का मार्ग है और एक गृहस्थ का मार्ग है। मुनिराज का सब छूट गया है ना, तो उन्हें इस जगह चीटी दिख रही है तो पीछे का मंडल उठाएंगे, तेरी रामायण तू संभाल, तेरी दुनियादारी तू संभाल, हम तो चले। क्यों? क्योंकि मुनिराज ने सब छोड़ दिया, अब हम ग्रस्त हैं, बराबर इतने छोड़ नहीं पाते। तो चाहते हुए भी कि भाई लक्ष्मण रेखा लगाने से जीवों का घात होगा, पीओपी लगाने से जीवों का घात होगा, लेकिन जब तक घर में रहने का मोह है तब तक इस घात से आप बच नहीं सकते। तो मुझे वही मुनिराज याद आए। मैंने इसीलिए शास्त्रों में ये बात कही गई है कि गृहस्थ जीवन काजल की कोठरी है और मुनि जीवन वैराग्य का शिखर है। तो बहुत याद आई मुझे कि मैंने ये मुनि दशा का मार्ग कितना बढ़िया, कि हम किसी के लिए नर्तक रूप नहीं होंगे और हमारे द्वारा कोई भी जीव दुखी नहीं होगा, और जिन परिस्थितियों में जीव दुखी होते हैं हम खुद ब खुद उन परिस्थितियों को या तो उत्पन्न ही नहीं करेंगे, और उत्पन्न हो जाए तो छोड़ के चल देंगे। ना समझ में आई? कोई कहे ऐसे तो सब जगह चीटियां चीटियां हो जाएंगी। भैया मुनिराज को बाहर की चीटियों की चिंता नहीं है, अंदर में जो कसायों का और पकड़ का जो मकड़ जाल लगाए ना उन्हें इसकी चिंता है, इसीलिए वो उसके अभाव का उपाय करते हैं। बराबर समझ में आया कि नहीं है? तो ये जो उत्पत्ति स्थलों का ज्ञान हम क्यों कर रहे हैं, ये उत्पत्ति स्थलों का ज्ञान हम इसके लिए कर रहे हैं कि जैसे ही हमें पता हो कि इस प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं तो हम वो परिस्थितियां ना बनने दें। बराबर, ये कोई हम आपको वो सिद्धांत नहीं बताना चाह रहे कि आप नौ भेद पढ़ के ना किसी दूसरे को पढ़ाने लगा, ये गोल नहीं है। गोल ये है कि जीवों के उत्पत्ति के स्थान देखकर आप जीव उत्पत्ति ना हो ऐसा निर्दोष अहिंसक जीवन जिए, इस गोल के साथ में ये बात अपन समझ रहे हैं। देखो 32 नंबर का सूत्र है, आप मेरे साथ दोहराएंगे, कठिन सूत्र है इसलिए सबको कंपलसरी बोलना है। ओके चलो मैं बोलता हूँ। पंडित जी हाँ बोलो। आ तो 36 नंबर नो सूत्र आवशे। हाँ 36 नंबर नो सूत्र आवशे। नंबर खोटू लखायो हशे मके वांगे। हाँ बात साची तुम्हारी, नंबर मने डाउट थयो तो पण ए कदाच एने नंबर लखवामां भूल करी हशे, कई वांधो नहीं। 36 अपने पहला आव्यो तो ना। हाँ जो 35 पती गयो ना, बराबर। हाँ એનો ઉચ્ચારણ બાકી છે, શેષાણામ સંમૂર્છનમ, શેષાણામ સંમૂર્છનમ, એનો અર્થ સંમૂર્છનમ, હા 35 નો શેષાણામ સંમૂર્છનમ, હા શેષાણામ સંમૂર્છનમ, શેષાણામ ગર્ભજન્મના સિવાય અને ઉપાદ જન્મના સિવાય જે જીવો છે એમાં એકેન્દ્રિયાદી જીવ એ અને લબ્ધિ પર્યાપ્તક મનુષ્ય એ પણ, બરાબર, જે જે લબ્ધિ પર્યાપ્તક જીવ છે એ બે સૂત્રના સિવાય બાકી બધા જીવો એ કેવા કહેવાય, સંમૂર્છન કહેવાય છે। ક્લિયર? એટલે શેષાણામ સંમૂર્છન કા મતલબ કેવલ ત્રયંચ જીવ હી નહીં લેના, બલ્કિ યહાં પે યે ભી સમજના કે ત્રયંચો મે ભી જો અપર્યાપ્તક સંમૂર્છન હે ઓર મનુષ્યો મે ભી જો અપર્યાપ્તક હે વો સબ કિસકે અંતર્ગત આતે હે, સંમૂર્છન જન કે અંતર્ગત આતે। ठीक है 36 नंबर का सूत्र अब देखो, ये नंबर गलत है ना, बहुत बढ़िया। सचित्त शीत संब्रता, बोलिए सचित्त शीत संब्रता, सचित्त शीत संब्रता, सचित्त शीत संब्रता, सेतरा सेतरा जतुरी छे, मिश्राश मिश्रास्तद्योनय। ठीक है, मिश्राश तद्योनय। देखो बहुत, किसी को तकलीफ है सूत्र के उच्चारण में?
तो बोलो। हाँ मिश्रास्य फिर से जरा बताइए ना। ओके सेतरा तक आ गया ना। हाँ ये वो बराबर है। बोलो संस्कृत बोलना है तो मुंह बिगाड़ना पड़ेगा। मुंह बिगाड़े नहीं जाते बराबर। ठीक है ना। अब देखो मिश्रा अभ्यास करना, किसी को तकलीफ हो तो कल पूछना। ये तीन चीजें बताइए यहाँ पर और नौ भेद कर दिए। कैसे नौ भेद किए? पहले नंबर तीन चीज बताइए। सचित्त मतलब जीव सहित, शीत मतलब सर्दी, समृत मतलब ढकी हुई। बराबर समझे कि नहीं समझे? तीन चीजें सचित्त मतलब सजीव, शीत मतलब ठंडी और समृत मतलब ढकी हुई। अब आचार्यों को सूत्र बनाने में इतना ज्यादा संक्षेप का आग्रह रहता है कि वो तीन तो बोल दी, अब तीन के विरुद्ध गिन लो। अब तीन के विरुद्ध अगर वो अचित्त शीत असमृत बोलते तो तीन शब्द लिखना पड़ते। इसलिए उन्होंने बोला ये तीन तो है ही, फिर सेतरा मतलब इतरा। इतर क्या कहलाता है? इतर मतलब विरुद्ध, तो इससे विरुद्ध वो क्या हो गई? सेतरा। क्लियर? किससे विरुद्ध? सचित्त शीत समृद्ध से विरुद्ध। तो छह हो गई। कौन कौन सी? अचित्त उष्ण और विवृत्त। छह हो गई ना योनिया। अब देखो अब ये छह हो गई। अब छह के बाद में बोलते हैं अब और तीन निकालनी है। अब फिर से तीन का नाम लिखेंगे तो और देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अब दो तुमने निकाल ली ना, अब इन दो को आपस में मिला और दो। मतलब क्या हो गई? सचित्त अचित्त इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सचित्ता चित्त। शीत और उष्ण इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? शीत उष्ण। और समृत और विवृत इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? समृत विवृत। ऐसे करके आचार्यों ने तीन के आधार पर नौ भेद बता दिए और बोले ये तीनों एक शाह मतलब एक एक होते हैं। एक एक होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं। एक एक इन तीनों के एक एक गिनना, आपस में मत कर लेना। तो एक एक तद योनिया मतलब ऐसे उन योनियों के नौ भेद होते हैं। कौन कौन से? सचित्त शीत समृत ये तीन, इनके तीन रिवर्स मतलब अचित्त उष्ण और विव्रत ये रिवर्स हुए, और इन तीनों के मिश्र यानी सचित्ताचित्त शीतोष्ण और समृद्ध विव्रत ये योनि के नौ भेद हैं। कितने भेद हैं? नौ भेद हैं। तो नौ प्रकार के भेद उत्पत्ति स्थल में बताए गए। अब उसको यहां खुलासा करते हैं। परिभाषा बताते पहले कि उत्पत्ति किसे कहते हैं, योनि किसे कहते हैं। तो यहां बताया कि जीव के उपजने का स्थान, किसका स्थान? जीव के उत्पन्न होने का जो स्थान है उसे उसे योनि कहते हैं। बराबर योनि किसे कहते हैं? कि जीव जहां उत्पन्न होता है वो योनि है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? ये बड़ी गजब बात है। आजकल बहुत अलग अलग टाइप की बातें आ रही हैं। वो सब टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाते हैं और ना जाने क्या है। तो वो योनि है कि एक प्रश्न जब हम पढ़ते थे तभी आया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, वो कौन सी योनि कहलाएगी। तो पहले नंबर में उनको बताना चाहूंगा जिनको पता ना हो इस विज्ञान के बारे में कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कोई ट्यूब में बेबी नहीं होता। वो बेबी तो माँ के गर्भ में ही होता है, लेकिन वो बेबी को रखने के लिए अमुक समय वो बाहर की कृत्रिम परिस्थितियां बनाई जाती हैं, उनसे जो उत्पन्न होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। बराबर समझ में आया कि नहीं है? तो ये नौ भेद ही हैं और बाकी जितने भी जगत में देखे जाते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मैंने आपको बोला अहिंसा के पालन के लिए चीज जानना बहुत जरूरी है कि आप माताएं बहनें खासकर जानें, खासकर इस चीज को जानें
कि भैया गर्म और सर्दी एक साथ ना मिला दें, क्योंकि उस शीतोष्ण योनि बना दी आपने। कौन सी योनि बना दी? शीतोष्ण योनि बना दी। सबसे बड़ी समस्या आप देखो कितनी गजब होती है, अपने टेम्परेचर को देखो। मैं थोड़ा सा उसको गंभीरता में लेके जाना चाहता हूं कि बाहर का हमें एसी का टेम्परेचर 20 कर देना है और अंदर का टेम्परेचर 30 चल रहा है, 35 चल रहा है, तो अंदर गर्मी है बाहर ठंडी है, क्या होगा? जीव उत्पन्न होगा। कोई वस्तु अत्यंत, हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग खाने में एक तरफ एकदम ठंडा खाते हैं फिर गर्म करते हैं, अथवा गर्म खाना खाते हैं साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये सब विदेशियों ने सिखा दिया, गर्म खाने के साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक। ये आप उसकी जीवों की उत्पत्ति की हो नहीं दे रहा हूं। कभी भी मिश्र स्वाद हो, देखो कुदरत को आप देखो, जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक है। ऋतुओं होती ना, अपन डबल सीजन को अपन कौन सा सीजन बोलते हैं साहब? बीमारी का सीजन बोलते हैं। अभी जो चल रहा है ना, कैसा चल रहा है सबको पता होगा ना, सब लोग इस बारे में जानते होंगे। इस समय बीमारियां बहुत होती हैं साहब। बीमारियां क्यों हो रही हैं? डबल ऋतु होती तो बीमारियां क्यों हो जाती हैं? कि इस समय डबल ऋतु होने पर वो बैक्टीरिया वायरस इनकी उत्पत्ति की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो वो आपके शरीर में फॉरेनर आ जाते हैं, वो आपके शरीर में फॉरेनर आ जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हो। होता कि नहीं होता? यही विज्ञान है ना। हमेशा डबल सीजन में सर्दी हो रही है। सर्दी क्या है? सर्दी आयुर्वेद कफ कहता है और एलोपैथी क्या कहती है सर्दी में? एलोपैथी कहती है कि आपको जो अंदर में बैक्टीरिया अधिक उत्पन्न हो जाते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो ही कफ बलगम के रूप में बाहर निकलते। तो बलगम है वो कुछ और नहीं है, वो बैक्टीरिया है। इसीलिए जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपका बलगम ठीक हो जाता है। बलगम ठीक हो जाता मतलब क्या होता है? तो बैक्टीरिया मर जाता। मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये चीज को थोड़ा हमें विचारना पड़ेगा कि हम ऐसा व्यवहार, देखो जैन धर्म की पद्धति अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी गजब, पूरी अहिंसात्मक, उपचार की विधियां भी अहिंसात्मक। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, थोड़ा मुझे राग ऐसा है, हालांकि मुझे इस विषय में बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जहां से भी आपको एक ज्ञान मिले आप उसे इकट्ठा करें। कुदरती आरोग्य की पद्धतियां, कौन सी पद्धतियां? कुदरती आरोग्य की पद्धतियां। फॉर एग्जाम्पल कि जो नेचुरोपैथी है अथवा जो सरल सिंपल से जो आपके प्रिवेंशन वाले योग वगैरह हैं, प्राणायाम है, बराबर। मैं आपको शरीर का राग नहीं करवाना चाहता, लेकिन अहिंसक जीवन जीने के लिए आप ऐसी पद्धतियां जरूर सीखें जिसमें बिना दवा के रोग का उपचार हो सके। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बराबर, जो भी पद्धति आपको जानने में आए, बराबर। मैं भी ये नहीं कहता कि बहुत उसके पीछे पड़ो, लेकिन उस चीज को अपने जीवन, सबसे बढ़िया है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करो। श्रम करो, कुदरती रहो, अपना शरीर ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? रोग रहित हो। बोले आप शरीर पर ध्यान क्यों करवा रहे हो? शरीर पर तो ध्यान करना पाप है। बोले भैया शरीर का ध्यान करना पाप है, लेकिन शरीर की तबीयत बिगड़ने पर जो परिणाम बिगड़ते हैं वो बड़ा पाप। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिन भावों से आपके परिणाम बिगड़े उसकी परिस्थिति ना बने ऐसा उपाय करो। क्योंकि मुझे सबके पुरुषार्थ की पता है कि रोग के समय में अस्पताल में दवा डॉक्टरों के बीच में भगवान आत्मा याद नहीं आता। 100 में से 99 लोग भूल जाते हैं। अगर आपको रोग की प्रबलता हो, 24 घंटे अनुकूलता हो कि आप पढ़ सकते हो, तब आप ले जाके किसी को बोलोगे भी पढ़, बोले क्या करे पंडित जी मन ही नहीं लगता है? अच्छे अच्छों का एक्सपीरियंस है मेरे साथ, मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको सबको ये बात पता चलती होगी कि अनुकूलता में तो सुनाई सुनने का मन होता है, सुनाने का मन होता है, समझने का मन होता है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तो सुना सुनाया ज्ञान कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता। तब तो एक ही भाव होता है कि डॉक्टर बचा लो, डॉक्टर बचा लो, डॉक्टर बचा लो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जैन अपने यहाँ पे आयुर्वेद के ग्रंथ भी इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है, वो क्यों लिखे आचार्यों ने? वो इसके लिए लिखे कि भैया उन्हें पता है कि इस जीव का पुरुषार्थ बड़ा मंद है,
इस जीव का मोह का उदय प्रबल है, रोग के समय में इसकी आत्मस्थिरता नहीं बनेगी, इसीलिए रोगी ना हो ऐसी जीवन शैली इसे बताई जाए। और भरसक प्रयास, और आपको तो ये जानकर पता होगा कल्याण कार्यक्रम एक जैन आयुर्वेद का ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिनसे आचार्य के समकालिक एक आचार्य हुए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है बराबर। लेकिन मैं आपको बताना, आप कभी प्रथमान योग पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रथमान योग के ग्रंथों में उपचार भी बिल्कुल निर्दोष पद्धति से बताया। देखो एक कहानी अपने आप ही आती है, सुकुमाल चरित्र संबंधी आती, किसमें आती, बहुत बढ़िया मुझे उसमें जो दृष्टा है वो बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति के शरीर में कृमि हो जाती, कृमि हो जाती, वैद्य अहिंसक है वो, चाहे अगर वो जैन नहीं होता तो सीधे सीधे ऐसी दवाई देता था कि सारी कृमि अंदर में मर जाती, लेकिन वो वैद्य अहिंसक है तो कौन सी पद्धति अपनाता है, वो वैद्य अहिंसक है तो ऐसी पद्धति अपनाता है, एक तेल वो देता है, तेल जो बहुत गर्म होता है, और वो तेल कहता है कि पूरे शरीर पे लगा लो पेशेंट को कहता है, और उसे कंबल पे सुला, मोटा कंबल हो नौ कंबल उसको लेकर उसे सुला देता है, गर्मी का प्रमाण बढ़ता है, गर्मी का प्रमाण बढ़ता है तो सारी कृमि बाहर आ जाती है, और बाहर आ जाती है तो उस कृमि को बाहर छोड़ दिया जाता है, तो मतलब एक भी कृमि को मारे बिना उसने उस व्यक्ति के अंदर की सारी कृमि को बाहर निकाल दिया। ये कोई शास्त्र में ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि अगर जैन डॉक्टर बने या जैन इस पद्धति से काम करे तो वो मैक्सिमम अहिंसा का पालन करेगा, और जिसको ये नहीं पता वो तो कहता कि हड्डी से, मांस से, रक्त से, किसी से भी दवा बनती हो रोग ठीक होना चाहिए, बाकी जाए तेल लेने। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हर जगह करुणा तो होती है भाई साहब, अगर करुणा नहीं हो तो कठोरता होगी, और कठोर जीव कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। इसलिए समझ रहे हो ना क्या करना, बोले जीवन ऐसा जीना कि जिस जीवन में दोष कम से कम हो और निर्दोषता अधिक से अधिक हो, ऐसा गोल बना लेना। जैसे हम बनाते ना गोल कि ज्यादा से ज्यादा कमाना, ज्यादा से ज्यादा बचाना और कम से कम खर्चना, ये सिंपल बनियों का रूल होता है बराबर ना। ऐसे ही आपको अपने जीवन में भी ऐसा रूल बना लेना है कि अधिकतम, अधिकतम क्या हो, आपके जीवन में अहिंसा हो और न्यूनतम हिंसा हो, हर पद्धति में। आप ऐसा विचार करने लग जाओगे ना भव्य बन जाओगे, जब आप ऐसा विचार नहीं करते हो ना तो कसाई बनते हो, ठीक है ना। देखो चलो अपन आगे चर्चा करते हैं उसकी। हाँ तो ये तो थोड़ी एक्स्ट्रा बातें आपको कर दी जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, ये केवल आप इसे कोरे कोरे ज्ञान के रूप में ना ले लें बल्कि अन्य रूप में ले, इसलिए बात कही। तो जीव के उत्पत्ति का स्थान वो योनि कहलाता है। अब देखो मिश्र रूप होकर औदारिक आदि नौ कर्म वर्गणा रूप पुद्गलों से सहित बनता है जीव, जिसमें वह योनि है। देखो ये सचित अचित्त हो गई कि जीव है सचित्त और कर्म वर्गणाएं हैं वो अचित्त, तो मिश्र रूप होकर बराबर औदारिक आदि नौकरों वर्गणा रूप पुद्गलों से जीव बंधता। सबसे पहले क्या होता है कि तुम चेतन थे, चेतन हो, लेकिन चेतन चेतन नहीं रहा, चेतन को अचेतन की प्रीति हुई, और जैसे अचेतन की प्रीति हुई तो वैसे ही अचेतन की प्रीति होते ही वो मिश्र रूप अवस्था तुम्हारी बन जाती है, अचेतन की प्रीति, अचेतन का संयोग, और उसके कारण तुम्हें शरीर मिल गया, तो वो योनि कहला। मात्र स्त्री के शरीर को कहना वो तो बहुत व्यवहार है, एक्चुअल में तो ये जीव उत्पन्न सचित्त रागादि